नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुक्ला जी लाइव चैनल के एक नए ब्लॉग में। और आज हूँ मैं हथवा में। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैं गोरखपुर में था, वहाँ से गांव आने तक का सफ़र मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया आप लोगों को। लेकिन इस टाइम मैं घर से आ चुका हूँ मेरे दोस्त रंजन के यहाँ। और ये जो ब्लॉग है ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि सावन था और सावन में हम लोगों ने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया। और अब सावन ख़त्म हो चुका है तो अब सिर्फ नॉनवेज ही खाना है। तो आज जो भी ब्लॉग देखेंगे आप लोग उसमें हम अलग अलग दुकान पे जाएंगे, अलग अलग नॉनवेज को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अभी पॉज करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी दुकान पर। तो यार हम अभी किसी दुकान पर तो नहीं, लेकिन गोपाल मंदिर में आए हैं। और ये रंजन जी हैं, वो एक नंबर के हैं, ठीक है। तो इनसे हम तब से कह रहे हैं कि चलते हैं किसी होटल में चल के खाते हैं, लेकिन इन्हें ये छोटी छोटी बूंदें जो कि इस कैमरे में आ नहीं रही हैं, इन्हें बारिश लग रहे हैं इससे ये भींग जाएंगे। तो ये जो पीछे है वो मंदिर है और ये जो आगे है तालाब है। पहले इसमें नहाते थे फिर जाके पूजा करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम हट गया, अब नॉर्मली आके लोग पूजा करते हैं, इतना कोई फॉलो नहीं करता है रूल। घर से नहा के आते हैं अब घर से नहा के आते हैं और पूजा करते हैं। इसका अब यूज़ नहीं है। इसमें मछलियाँ हैं, वैसे मछलियाँ काफ़ी सारी हैं इसमें। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। तो रंजन गया घर पे और हम और मिथिलेश जी अखा MG टेक हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट होटल विजिट करने, जहाँ पे हम लोग खाएंगे बिरयानी, क्योंकि वहाँ का बिरयानी इधर के लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ का बिरयानी टेस्ट करेंगे, तो आपको भी लेके चलते हैं। तो ये बता देना जरूरी था कि अब हमारे साथ रंजन गुप्ता नहीं है, मिथिलेश गुप्ता जी हैं MG टेक। और आपको इनका चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा वीडियो आ रहा है, इस पे हम लगाएंगे गाना, तो गाना सुनिए आप। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो यार हम लोग आगे जा रहे थे और आगे पुलिस की चेकिंग चल रही थी, एंड हम लोग दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, तो उस पकड़ाने के डर से हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं। और शॉर्टकट आप देखिए कैसा शॉर्टकट है, ना है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मत। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप जब भी ट्रेवल करें हेलमेट वगैरह लेके ट्रेवल करें। हमने आज जो किया खुद पता चल रहा है, बहुत गलती काम कर दिया हम लोगों ने। हेलमेट लेके हम लोग को ट्रैवल करना चाहिए था। बाय द वे आप हेलमेट के बिना कहीं मत निकलिएगा, आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ मैं, वरना अगर पकड़ लिए गए तो फेल लिए जाएंगे। निकालिए उसको और दूसरा अंडा साथ में कल वाला अंडा। ये क्या है? ये ग्रेवी। दुकान के मालिक लोगों के पास हैं, ये लोग ये हलवाई लोग हैं यहाँ पे। तो हमने पहला होटल जो है उसको एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ पे हम लोगों ने खाया बिरयानी, लाजवाब टेस्ट था। और प्राइस सिर्फ 70 रुपये थी, मतलब किफ़ायती है और टेस्टी। तो मतलब क्या कहें, मतलब दिल्ली में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में गया हूँ मैं, इतने बड़े बड़े होटलों में जाता हूँ, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं इसके पहले जब हथवा में रहता था तो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ का बिरयानी खाया करता था। फिर तो अभी हम लोग जा रहे हैं हथवा में, क्योंकि वहाँ पर एक दुकान है जो कि तवा चिकन बनाते हैं और ठेले पर दुकान है उनकी, और पूरे हथवा में फेमस है। तो पहले हम वहाँ पर जाएँगे और वहाँ
हम लोग आ गए यहाँ पे जहाँ पे तवा चिकन मिलता है। और ये भैया जी का देखिए हाथ टूट गया। कैसे टूट गया भैया जी? आप कैसे टूट गया? बाइक से, बाइक से गिर के हाथ तोड़ लिए हैं भैया जी। और देखिए इनका चिकन। और मिथिले जी बैठ भी गए खाने बिरयानी बाद चिकन। बिरयानी बाद चिकन खाएंगे। और शुक्ला जी का ख्वाहिश था आज केवल खाना ही खाना है। हम लोगों ने दो होटल एक्सप्लोर कर लिया है। होटल तो नहीं कहेंगे लेकिन दो ठेले, मतलब एक होटल था और एक ठेला था जिसमें एक तवा चिकन था और दूसरे में बिरयानी। मतलब पहले हम लोगों ने बिरयानी खाया फिर तवा चिकन और अब तीसरे के प्रोग्राम बन गए। तो तीसरा हम लोग जाएंगे इस गली में, एक आगे गली है वहाँ पे चिकन रोल मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाता है चिकन रोल। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और उसका चिकन रोल टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, हम लोगों ने वो पेप्सी यहीं पे पी और अब जा रहे हैं वो चिकन रोल खाने। तो मिथिलेश जी चलते हैं। चलिए, मेरा तो पेट फूल हो गया। मिथिलेश जी का पेट अभी कुछ खोज रहा है। घर पे अब शाम को खाना नहीं खाएंगे, जितना हो जाए इधर ही हो जाए। जितना हो जाए इधर ही हो जाए, घर पे खाना नहीं खाना है इनको। आ गए हम लोग रोल वाले के यहाँ, अब रोल खाएंगे हम लोग। मिथिलेश जी कैसा टेस्ट है? टेस्ट लाजवाब है, आपका चुना हुआ दुकान है। तो तवा चिकन हो गया, बिरयानी हो गया, रोल भी हो गया और अब कुछ देर के लिए पेट भी भर गया। तो अब कुछ भी नहीं खाएंगे और अब रंजन जी के घर पे चलेंगे, रंजन से मुलाकात करेंगे क्योंकि रंजन जी हमारे साथ कुछ भी नहीं खा पाए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रंजन जी के पास। रंजन जी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, इनके यहाँ कोई रिलेटिव आ गए थे तो बस उसी की दिक्कत थी जो ये हम लोग के साथ नहीं थे, क्योंकि रिलेटिव का वेलकम करना मस्ट है। तो अब हम लोग आ गए हैं और थोड़ा जा रहे हैं यहीं पे रंजन जी के गांव में, हम लोग तो थोड़ा घूमने के लिए। तो हम लोग रंजन जी के साथ गए थे इनका गांव घूमने और अभी घूम के हम आए हैं। फ़ोन डाउन हो गया था इसलिए कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हम, और कुछ बनाने का था भी नहीं, हम लोग बैठ के वहाँ पे बस बातें कर रहे थे। तो बस यही आज की वीडियो थी, यही कुछ नॉन वेज वगैरह खाना था। आज पेट तो बिल्कुल फूल गया है, इसके बाद ना मेरे खाने की हिम्मत है और ना वीडियो बनाने की हिम्मत है। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तुम लोग नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं तुम लोग से एक नए वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।